Hello everyone, this is the video number 10 for NEET students. Today we will start chapter number 3. So chapter number 3 में जो भी starting का portion है वो आज हम देख लेंगे. वो है कि current क्या होता है, current कैसे flow होता है, okay, current की direction क्या होती है, conventional direction क्या है, okay, जो हम लेते हैं वो direction क्या है, then after ohms law देखेंगे, resistance देखेंगे, resistance किस पे depend करता है, ओके okay, फिर रेजिस्टेंस चेंज कैसे होता है, क्या क्वांटिटी हम चेंज करें तो रेजिस्टेंस कैसे चेंज होगा, बाद में ड्रिफ्ट वेलोसिटी, तो ये सारी चीजें आज हम देखेंगे चैप्टर नंबर 3 में. तो चैप्टर नंबर 3 में जो सबसे पहली चीज है वो है करंट. करंट के बारे में कुछ छोटी छोटी बातें आपको पता होनी चाहिए. वो ये है कि करंट आई इज इक्वल्स टू हम लिख सकते हैं डीक्यू बाई डीटी. ओके सो रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज करंट. I is equals to dq by dt, that is also written as delta q by delta t. Okay, यहाँ से कैसे MCQ आ सकता है? देखो, suppose आपको बोला जाए कि कोई एक conductor है, उसमें से चार्ज फ्लो हो रहा है, वो चार्ज जो फ्लो हो रहा है वो टाइम के हिसाब से इस तरह से फ्लो हो रहा है, q is equals to 90 स्क्वायर प्लस 3t माइनस 6, ये इस हिसाब से फ्लो हो रहा है. तो क्वेश्चन है कि t इज इक्वल्स टू 2 सेकंड पे कितना करंट फ्लो होगा. ओके t इज इक्वल्स टू 2 सेकंड पे कितना करंट फ्लो होगा वो फाइंड करो. तो कैसे फाइंड करेंगे? होता है i इज इक्वल्स टू dq बाय dt. ओके दिस इज द फार्मूला, i इज इक्वल्स टू dq बाय dt. सो d बाय dt ऑफ q, दैट इज द 9t स्क्वायर प्लस 3t माइनस 6. तो यहाँ पे करना क्या है, ये क्यू मतलब ये टर्म का t के रेफरेंस में डिफरेंशिएशन करना है. तो हमें i मिल जाएगा करंट. ओके यहाँ डिफरेंशिएशन करो, सबसे डिफरेंशिएशन करेंगे तो मालूम पड़ेगा टू आ गया, तो 18t प्लस 3 दिस इज द करंट i. नाउ एट 2 सेकेंड्स, t इज इक्वल्स टू 2 सेकेंड, सो i इज इक्वल्स टू पुट हियर 2, 36 plus 3 so 39 एम्पियर, दिस इज द आंसर. ओके अब यही फॉर्मूला हम देखें, इन सेम फॉर्मूला, तो हम ऐसा भी तो बोल सकते हैं आई डी टी इज इक्वल्स टू डी क्यू. ओके फ्रॉम दिस फॉर्मूला वी कैन से दैट आई डी टी इज इक्वल्स टू डी क्यू. नाउ इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, पहले ऐसा लिख लो डी क्यू इज इक्वल्स टू आई डी टी. नाउ इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, यहाँ पे इंटीग्रेशन होगा डी क्यू का, यहाँ पे इंटीग्रेशन होगा डी टी का. ओके और अगर करंट टी के स्टेप में दिया है तो ऐसा होगा डी क्यू इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ आई डी टी. मीन्स ये डी क्यू का इंटीग्रेशन भी क्या होगा, क्यू. क्यू चाहिए वो तो हमें फॉर्मूला लगानी पड़ेगी आई डी टी. ओके तो इसका रिवर्स एमसीक्यू भी पूछा जा सकता है, उसमें आपको दिया क्या होगा, करंट दिया होगा. ओके मान लो कि कुछ करंट जो है वो ऐसे दिया हुआ है 2t माइनस 3. ओके और आपको पूछा जाए t इज इक्वल्स टू 1 सेकंड पे चार्ज फाइंड करो. ओके करंट ऐसे दिया हुआ है और आपको पूछा जाए कि t इज इक्वल्स टू 1 सेकंड पे चार्ज फाइंड करो. ओके और थोड़ा हार्ड एमसीक्यू बनाए तो ऐसा दिया होगा कि चार्ज फाइंड करो, लेकिन कहां से कहां तक, t इज इक्वल्स टू 1 सेकंड से 2 सेकंड में. ओके तो टाइम 1 सेकंड से 2 सेकंड में कितना चार्ज फ्लो हुआ होगा वो कैलकुलेट करो. तो वो भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं. देखो कैसे, तो फॉर्मूला क्या है, q इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ i dt. ओके इंटीग्रेशन ऑफ आई की वैल्यू रखो, दैट इज दी 2t माइनस 3dt. ओके यहाँ पे हमें कौन से टाइम पे फाइंड करना है, 1 सेकेंड से 2 सेकेंड के बीच में. ओके तो यहाँ पे लिमिट रखेंगे 1 से 2 वाले. सो q इज इक्वल्स टू, नाउ इंटीग्रेशन करो, 2t का होगा 2t स्क्वायर बाय 2 माइनस 3 का होगा 3t लिमिट 1 से 2. ओके अब आप कैलकुलेशन कर सकते हो, 2 कैंसल, टी स्क्वायर, एक बार टी की बजाय में 2 आएगा, 2 स्क्वायर बाय 1. ओके माइनस एक बार आएगा 1 स्क्वायर बाय 1 माइनस एक बार 3
टी में टू आएगा माइनस एक बार टी में वन आएगा। ओके इसका जो भी आंसर लाओगे वो होगा आंसर किसका, चार्ज का। अब माइंड लो कि वन सेकेंड से टू सेकेंड के बीच में नहीं पूछा आपको, आपको पूछा कि पांच सेकेंड में, जो पहले पांच सेकेंड है वो पांच सेकेंड में कितना चार्ज फ्लो होगा पहले पांच सेकेंड में। तो आप यहाँ पे लिमिट क्या लगाओगे, लिमिट लगाओगे जीरो टू फाइव, पहले पांच सेकेंड में जीरो से स्टार्ट होगा और फाइव पे एंड होगा, तो लिमिट क्या लगेगी जीरो टू फाइव। ओके सो दिस टाइप ऑफ एमसीक्यू कैन बी आस्क्ड, सो दिस इज द फर्स्ट थिंग दैट यू शुड नो। ओके आपको पता होनी चाहिए I is equals to dq by dt and second one I dt or q is equals to integration of I dt. Now current के बारे में दूसरी छोटी चीज पता होनी चाहिए कि current की direction होती है। Okay current की direction होती है लेकिन तब भी वो scalar quantity है। Okay current has direction but though it is the scalar quantity. ओके करंट की डायरेक्शन है लेकिन वो स्केलर क्वांटिटी है। एक्चुअली जो करंट है ना वो टेंसर क्वांटिटी है लेकिन अपने सिलेबस के हिसाब से जाए तो करंट होगी स्केलर क्वांटिटी। अब करंट की जो डायरेक्शन है वो हम क्या लेते हैं, सपोज ये कंडक्टर है इसमें दो तरह के फ्री चार्जेस होंगे, एक पॉजिटिव और दूसरा नेगेटिव। तो इसमें हम पॉजिटिव में प्रोटॉन ले लेते हैं और नेगेटिव में इलेक्ट्रॉन ले लेते हैं। ओके अब एक्चुअली हम अब तो हमें पता है कि प्रोटॉन तो मूव ही नहीं करता, प्रोटॉन तो एक ही साइड रहते हैं, मूव कौन करता है इलेक्ट्रॉन मूव करता है। ओके मूव कौन करता है इलेक्ट्रॉन, तो मान लेते हैं कि इलेक्ट्रॉन ये साइड से इस साइड मूव कर रहा है, इलेक्ट्रॉन इज मूविंग इन दिस साइड। अगर इलेक्ट्रॉन ये साइड मूव कर रहा है तो हम करंट लेते हैं ये डायरेक्शन। ओके ये है करंट की कन्वेंशनल डायरेक्शन। क्यों ऐसा है, क्योंकि पहले पॉजिटिव चार्ज फाइंड हुआ था, पहले प्रोटॉन फाइंड हुआ था, ओके इन्वेंट हुआ था, बाद में जाके इलेक्ट्रॉन फाइंड हुआ इन्वेंट हुआ था। तो अब साइंटिस्टों ने क्या रख दिया कि करंट की जो डायरेक्शन है वो पॉजिटिव चार्ज की ही डायरेक्शन रख दी। एक्चुअली फिर बाद में पता चला पॉजिटिव चार्ज तो मूव ही नहीं होता, मूव होता है तो इलेक्ट्रॉन। ओके तो बाद में फिर ऐसा लिया गया कि इलेक्ट्रॉन ये डायरेक्शन में मूव होता है लेकिन हमने जो कन्वेंशनल ये डायरेक्शन ली है वो ही रखो, इससे हमारे कॉन्सेप्ट में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। सिर्फ डायरेक्शन आपको याद रखनी है, अगर हमें करंट ये डायरेक्शन में दिया है तो आपको समझ जाना है कि इलेक्ट्रॉन रिवर्स डायरेक्शन में मूव हो रहे होंगे। ओके सो दिस इज द कन्वेंशनल डायरेक्शन ऑफ करंट। अब करंट के बारे में इतना पता हो फिर आपको पता होना चाहिए करंट डेंसिटी। करंट डेंसिटी कुछ दूसरी फॉर्मूला के लिए इंपॉर्टेंट है। ओके जैसे कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी की फॉर्मूला में, फिर कंडक्टिविटी की फॉर्मूला में, उसमें करंट डेंसिटी इंपॉर्टेंट है। अब करंट डेंसिटी क्या है, तो मान लो फिर ये कंडक्टर है, इसका ये क्रॉस सेक्शन जो है, ये कंडक्टर का जो क्रॉस सेक्शन है वो एरिया ए है, उसमें से करंट फ्लो हो रहा है आई। ओके उसमें से करंट फ्लो हो रहा है आई, तो करंट डेंसिटी जे को ऐसे डिफाइन करते हैं आई अपॉन ए, आई इज करंट फ्लो एंड ए इज क्रॉस सेक्शन एरिया, क्रॉस सेक्शन एरिया फ्रॉम विच करंट इज फ्लोइंग। ओके क्रॉस सेक्शन एरिया फ्रॉम विच करंट इज फ्लोइंग। अब मान लो ऐसा क्रॉस सेक्शन नहीं, हमने काट लिया बीच में से, पहले कंडक्टर ऐसा था लेकिन हमने ऐसे काट लिया। ओके तो फिर तो क्रॉस सेक्शन ऐसा हो जाएगा, तो ये क्रॉस सेक्शन, ये क्रॉस सेक्शन की करंट डेंसिटी चाहिए। तो ये क्रॉस सेक्शन में याद रखो, ये क्रॉस सेक्शन का एरिया ये डायरेक्शन में होगा परपेंडिकुलर टू दी क्रॉस सेक्शन ना। अब इसके दो कंपोनेंट हो गए, अगर ये थीटा है तो ये हो जाएगा ए कॉस थीटा और ये हो जाएगा ए साइन थीटा। ओके अगर हमने क्रॉस सेक्शन ऐसे ले लिया तो उसका एरिया ये डायरेक्शन में, ये थीटा है तो ये होगा ए कॉस थीटा और ये होगा ए साइन। इसमें करंट डेंसिटी कैसे निकालते हैं, जे इज इक्वल टू आई अपॉन, अब क्रॉस सेक्शन वही देखने का, क्रॉस सेक्शन वही देखने का जिसमें से करंट फ्लो हो रहा है, तो करंट तो ऐसे ही फ्लो होगा, करंट थोड़ी ना ऐसे फ्लो होगा, करंट ये डायरेक्शन में ही फ्लो होगा, तो कौन सा क्रॉस सेक्शन इफेक्टिव होगा, तो वो होगा ए कॉस थीटा। ओके तो अगर क्रॉस सेक्शन को एंगल पे दिया हो तो आपको ये फॉर्मूला यूज करनी है, जे इज इक्वल टू आई अपॉन ए कॉस थीटा, अदरवाइज जे इज इक्वल टू आई अपॉन ए। ओके दूसरी चीज याद रखना, करंट डेंसिटी वेक्टर क्वांटिटी है। ओके करंट
डेंसिटी वेक्टर क्वांटिटी है। कैसे देखो, यहां से हम ऐसा लिख सकते हैं आई इज इक्वल्स टू जे ए कॉस थीटा। कॉस थीटा आ गया मींस के आई तो जे और ए का डॉट प्रोडक्ट है, तो आई इज इक्वल्स टू लिख सकते हैं जे डॉट ए। ओके, अगर डॉट प्रोडक्ट होगा तो जो ये रिजल्टेंट है, ये रिजल्टेंट आई है वो स्केलर होगा, लेकिन जे और ए वो दोनों तो क्या होगा, वेक्टर क्वांटिटी। तो याद रखना करंट डेंसिटी वेक्टर, एरिया का वेक्टर वो आपको ऑलरेडी मालूम है। सो दिस इज द करंट डेंसिटी, ये भी ये चीज भी आपको पता होनी चाहिए। अब जो हम नेक्स्ट देखेंगे करंट डेंसिटी पे बहुत सिंपल एमसीक्यू आ सकते हैं। सपोज आपको बोला जाए कि भाई ये क्रॉस सेक्शन पे इतना करंट फ्लो रहा है, इसका एरिया इतना है, तो इसकी करंट डेंसिटी फाइंड करो। सो यू कैन फाइंड आउट दैट, ओके, उसका यूनिट होगा एम्पीयर पर मीटर। अब हम देखेंगे इंपॉर्टेंट चीज ओम्स लॉ। ओके, अब पता ही है आपको, आप सबको ओम्स लॉ पता ही है। ओके, जो भाई जो करंट फ्लो होगा कंडक्टर्स में से, वो कंडक्टर के दोनों एंड के पोटेंशियल डिफरेंस के प्रपोजनल में होगा। सब आपको पता है चीजें, मैं आपको यहाँ पे करंट चीजें सिखाऊंगा। ओम्स लॉ, ओम्स लॉ का जो फॉर्मूला, मेन फॉर्मूला, दैट इज द V इज इक्वल्स टू आई आर। ओके, और I इज इक्वल्स टू V अपॉन R, ये फॉर्मूला। अब मेन चीज, एक मेन चीज याद रखें, यहां से जो R है वो रेजिस्टेंस, R जो है वो तो रेजिस्टेंस। अगर मैं यहां से R को सब्जेक्ट बना दूं तो आप क्या बोलोगे कि R इज इक्वल्स टू V अपॉन R। मैं आपको पूछूं कि आर रेजिस्टेंस किस पे डिपेंड करेगा, किस क्वांटिटी पे डिपेंड करेगा, रेजिस्टेंस आर किस क्वांटिटी पे डिपेंड करेगा, ये अगर आपको कुछ गा क्या बोलोगे, सर वो वोल्टेज और करंट पे डिपेंड करेगा। बिल्कुल नहीं, रेजिस्टेंस वोल्टेज और करंट पे बिल्कुल डिपेंड नहीं करेगा, ये आपको खास याद रखना है। ये एमसीक्यू में आप गलत करके आते हो, रेजिस्टेंस नॉट डिपेंडिंग ऑन वोल्टेज एंड करंट। ये सेम चीज है, इससे सेम चीज है, कैपेसिटेंस की फॉर्मूला की याद करो, C इज इक्वल्स टू क्यू बाई वी। तब भी मैंने आपको बोला था कि कैपेसिटेंस Q और V पे डिपेंड नहीं करेगा। सेम चीज यहाँ पे R इज इक्वल्स टू V अपॉन I, लेकिन रेजिस्टेंस वोल्टेज और करंट पे बिल्कुल डिपेंड नहीं करेगा। वह वो किस पे डिपेंड करेगा वो हम देखेंगे। तो मान लो कि ये कंडक्टर है, कंडक्टर हम मार्केट में से खरीद के आ गए, परचेस करके आ गए, तो इसका कंडक्टर इसका रेजिस्टेंस एक फाइनाइट होता है, कॉन्स्टेंट होता है कि हाँ भाई ये इसका रेजिस्टेंस है। ओके, हाँ ये यही इसका रेजिस्टेंस होगा। सपोज ये रेजिस्टेंस 10 ओम है तो इसका रेजिस्टेंस 10 ओम ही होगा। अगर हम इसको 5 वॉट की बैटरी से ज्वाइन कर दे तो भी इसका रेजिस्टेंस 10 होगा, 10 वोल्ट की बैटरी से ज्वाइन कर दे तो भी 10 होगा, 15 वोल्ट की बैटरी से ज्वाइन कर दे तो भी 10 होगा। लेकिन यहाँ पे डिफरेंस क्या आएगा, जो करंट फ्लो होता है वो डिफरेंस आएगा। ओके, तो याद रखना रेजिस्टेंस तो कांस्टेंट होता है, वो वोल्टेज और करंट पे बिल्कुल डिपेंड नहीं करता। ओके, तो ये ओम्स लॉ की मेन चीज है। दूसरी जो एमसीक्यू में आ सकती है वो चीज ऐसी है कि ओम्स लॉ कहां पे वैलिड नहीं होता है। तो ओम्स लॉ सारे सेमीकंडक्टर्स, जो भी सेमीकंडक्टर्स है, ओके, और सेमीकंडक्टर से जो भी सर्किट्स बनती है, जैसे कि एम्पलीफायर बनता है, फिर ट्रांजिस्टर बनते हैं, डायोड्स बनते हैं, वो सब में ओम्स लॉ वैलिड नहीं होता। ओके, ओम्स लॉ इज नॉट वैलिड फॉर सेमीकंडक्टर्स, इट इज ओनली वैलिड फॉर कंडक्टर्स। अब ओम्स लॉ का ग्राफ जो है वो ऐसा आएगा। ओके, उसमें कुछ नहीं है, उसमें वोल्टेज और करंट दोनों एक दूसरे के लीनियर प्रपोजनल में है, तो ये ग्राफ ऐसा आएगा। ओके, यहाँ पे आए, यहाँ पे भी, और वाइस वर्सा। तो ये ग्राफ का जो स्लोप है, ये ग्राफ का जो स्लोप है वो देगा रेजिस्टेंस। याद रखना, अगर एमसीक्यू में आपको ग्राफ दिया जाए, ओके, आई वर्सेस वी और वी वर्सेस आई, और आपको पूछे कि इसका स्लोप फाइंड करो, तो वो आपको देगा रेजिस्टेंस। हाँ, आई वर्सेस वी दे दे आपको, आपको आई वर्सेस वी दे दे, तो आप फाइंड क्या करोगे कि आई डिवाइडेड बाई वी, दैट मीन्स वो वन अपॉन आर आएगा। लेकिन आपको तो आर के लिए फाइंड क्या करना है, वी अपॉन आई, तो उसका रेसिप्रोकल ले लो तो आर आ जाएगा। वो चीज थोड़ी याद रखना, अदरवाइज इसमें कुछ नहीं। ओके, तो याद रखना वी वर्सेस आई और आई वर्सेस वी के ग्राफ का जो भी स्लोप होगा वो हमको रेजिस्टेंस देगा। ओके, तो ये है ओम्स लॉ, और ओम्स लॉ
ये सारी चीजें ओम्स लॉ में आपको याद रहनी चाहिए, मेन चीज। ओके, बाद में ओम्स लॉ के बाद हम देखेंगे कि रेजिस्टेंस एक्चुअली किस क्वांटिटी पे डिपेंड करता है और कैसे चेंज होगा। रेजिस्टेंस की फॉर्मूला आर इज इक्वल्स टू, एक्चुअली पहले मैं बता दूं तो रेजिस्टेंस कंडक्टर की लेंथ पे डिपेंड करता है। लेंथ जितनी ज्यादा होगी ओके, उतना रेजिस्टेंस ज्यादा होगा, वो तो एक सीधी बात है। ओके, जितना लंबा कंडक्टर उतना उसका रेजिस्टेंस ज्यादा, फिर वो क्रॉस सेक्शन एरिया के इनवर्सली प्रपोर्शनल में होता है। ओके, क्योंकि क्रॉस सेक्शन एरिया बढ़ेगा तो करंट ज्यादा फ्लो कर सकेगा, तो इसलिए रेजिस्टेंस क्रॉस सेक्शन एरिया के इनवर्सली प्रपोर्शनल में होता है। दोनों कनेक्ट करें तो रो प्रपोर्शनल टू एल बाय ए होगा। एक कांस्टेंट रख दिया, वो कांस्टेंट हमने यहाँ पे रख दिया रेजिस्टिविटी, दैट इज द रो। तो फॉर्मूला आ गई, ये फॉर्मूला खास याद रखने की, आर इज इक्वल्स टू रो एल बाय ए, वेयर रो क्या है रेजिस्टिविटी, रो क्या है रेजिस्टिविटी। ओके, एल लेंथ और ए एरिया, यहां से कैसे एमसीक्यू आएंगे देखिए। फर्स्ट, रेजिस्टेंस किस पे डिपेंड करता है, रेजिस्टेंस किस पे डिपेंड करता है, रेजिस्टेंस फर्स्ट ऑफ ऑल डिपेंड करता है रो, मींस रेजिस्टिविटी पे। ओके, रेजिस्टिविटी किस पे डिपेंड करती है, तो टाइप ऑफ मटेरियल और टेम्परेचर पे। याद रखना ये रेजिस्टिविटी रो किस पे डिपेंड करती है, तो रेजिस्टिविटी रो डिपेंड करती है टाइप ऑफ मटेरियल एंड टेम्परेचर। ओके, रेजिस्टिविटी इतनी चीज पे डिपेंड करेंगे, टाइप ऑफ मटेरियल एंड टेम्परेचर। तो रेजिस्टेंस अब किस पे डिपेंड करेगा, रेजिस्टेंस किस पे डिपेंड करेगा देख लो, टाइप ऑफ मटेरियल, लेंथ, क्रॉस सेक्शन एरिया एंड टेम्परेचर। ओके, याद रखना आपको ऐसा एमसीक्यू आता है कि रेजिस्टेंस जो नीचे दी हुई है क्वांटिटीज, इसमें से किस पे डिपेंड नहीं करता है। ओके, इसमें आपको ऐसा दिया जाएगा कि टाइप ऑफ मटेरियल, लेंथ, एरिया एंड करंट। अब आप क्या सोचोगे, और टेम्परेचर भी शायद दिया होगा, आप क्या सोचोगे कि फॉर्मूला में टेम्परेचर तो आता नहीं है। ओके, तो वो शायद टेम्परेचर पर नहीं डिपेंड करता होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। रेजिस्टेंस डिपेंड करता है टेम्परेचर पे, टाइप ऑफ मटेरियल पे, लेंथ पे, एरिया पे, वो करंट पे डिपेंड करेगा नहीं। ओके, तो ये रेजिस्टेंस की फॉर्मूला, और ये जो रो है वो रेजिस्टिविटी है, वो टाइप ऑफ मटेरियल टेम्परेचर पर डिपेंड करेगा। जो रेजिस्टिविटी है उसकी यूनिट भी आप निकाल सकते हो, आई थिंक यूनिट तो आपको सबकी पता ही होगी। अब ये रेजिस्टिविटी का जो रेसिप्रोकल होगा उसे बोलेंगे हम कंडक्टिविटी सिग्मा। ओके, जो रेजिस्टिविटी का रेसिप्रोकल होगा उसे बोलेंगे कंडक्टिविटी सिग्मा। ओके, नाउ एक फॉर्मूला जो आपको याद रखनी है यहां से, वो ये है कि देयर इज द रिलेशन। फर्स्ट हम ड्रिफ्ट वेलोसिटी देख लेते हैं, फॉर्मूला ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ड्रिफ्ट वेलोसिटी मैंने एक रिविजन लेक्चर में बहुत अच्छे से डिटेल में एक्सप्लेन किया है, वो वीडियो आप देख लेना। मैं यहाँ पे डायरेक्ट इक्वेशन लिख देता हूँ, रिलेशन बिटवीन करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो ये रिलेशन है कि NEAVD। ओके, फर्स्ट फॉर्मूला, रिलेशन बिटवीन करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी, I इज इक्वल्स टू NEAVD। रिलेशन बिटवीन करंट डेंसिटी J एंड VD, दैट इज द NEVD। ओके, ड्रिफ्ट वेलोसिटी की खुद की फॉर्मूला क्या होती है, तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी फेडी जो है उसकी फॉर्मूला होगी EE/M(τ). ओके, जो यहाँ पे टाउ है वो रिलैक्सेशन टाइम है, तो यानी वीडी की फॉर्मूला रख देते हैं EE/M(τ). तो जे की ऐसे फॉर्मूला है, ओके, जे इज इक्वल्स टू NE²E/M(τ), ऐसे भी फॉर्मूला आ सकती है। तो ये सब फॉर्मूला है। दूसरी एक फॉर्मूला जो आपको खास याद रखनी है वो है कि करंट डेंसिटी जे और कंडक्टिविटी के बीच की फॉर्मूला वो है जे इज इक्वल्स टू सिग्मा ई। ये भी प्रूव हो सकती है, ये फॉर्मूला आर इज इक्वल्स टू रो एल बाई ए। ओके, वी इज इक्वल्स टू आई आर, दो फॉर्मूला रख देने की, वी इज इक्वल्स टू आई आर, उसमें आर की ये वैल्यू रख दो, तो ये फॉर्मूला प्रूव हो जाएगी जे इज इक्वल्स टू सिग्मा बाई ई। ओके, ये फॉर्मूला भी इंपॉर्टेंट, यहाँ से भी एमसीक्यू आ सकता है। ओके, यहाँ से कैसा आ सकता है कि कोई एक रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड दिया होगा,
क्योंकि कंडक्टर पे इलेक्ट्रिक फील्ड दिया होगा, वो कंडक्टर में से करंट जो भी फ्लो होता है वो दिया होगा, उसका एरिया दिया होगा, ओके, और आपको फाइंड करना होगा सिग्मा। देखो एम सी कैसे बनेगा कि कंडक्टर को एक कंडक्टर दिया हुआ है, ओके, वो ऐसे कोई इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा हुआ है, ये डायरेक्शन में ऐसा दिया होगा, उसमें जो करंट फ्लो हो रहा है, जो एरिया है वो भी दिया होगा, आपको फाइंड करना होगा उसकी कंडक्टिविटी। पहले क्या फाइंड करोगे, जे जे इज इक्वल्स टू आई बाई ए, फाइंड कर लिया, फिर फॉर्मूला रखोगे जे इज इक्वल्स टू सिग्मा ए, सिग्मा को सब्जेक्ट बना दो तो जे अपॉन ई फाइंड, ओके, सो लाइक दिस यू कैन फाइंड आउट दी सिग्मा। अगर आपको जे पूछा हुआ है तो जे ऐसे वेरियस एमसीक्यू आप बना सकते हो और कर सकते हो। तो ये था रेजिस्टिविटी वाला पोर्शन, रेजिस्टेंस, कंडक्टेंस, ओके, और सब जो फॉर्मूला होती है आपको ये फॉर्मूला है, ये सारी याद नहीं रखनी, ओके, ऑनली रिमेम्बर दिस फॉर्मूला आई इक्वल्स टू एनी है पीडी, ये फॉर्मूला से हो सकता है एमसीक्यू, ओके। तो अब हम कुछ छोटे छोटे जो भी नीट में पूछे गए हैं ये पोर्शन से वो एमसीक्यू देखेंगे, ओके। तो देखो सबसे पहले कैसा एमसीक्यू आता है, आर इज इक्वल्स टू रो एल बाय ए, जो फॉर्मूला है ये फॉर्मूला को मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूं, एल से डिवाइड कर दो, एल से मल्टीप्लाई कर दो, तो आ जाएगा रो एल स्क्वायर बाय वी, जहां वी क्या है, वॉल्यूम, वी क्या है, वॉल्यूम। कैसा एमसीक्यू आएगा देख लो, बहुत सारे एमसीक्यू ये जो मैं करा रहा हूं उसमें वैसे ही बहुत सारे एमसीक्यू आ सकते हैं कि ये एक कंडक्टर है, उसका उसकी लेंथ एल है और उसका रेजिस्टेंस आर, उसके लेंथ एल है और उसका रेजिस्टेंस आर, अब इसको खींचा, स्ट्रेच किया, खींचा खींचा खींचा, तब तक खींचा जब तक इसकी लेंथ 2L ना हो गई, ओके, इसको स्ट्रेच किया स्ट्रेच किया स्ट्रेच किया, लेंथ L से क्या कर गई 2L, तो अब इसका रेजिस्टेंस क्या होगा वो फाइंड, ओके, लेंथ पहले L थी अब लेंथ डबल कर दी, तो रेजिस्टेंस क्या होगा R डैश वो फाइंड करना है आगे। तो एक चीज समझो कि अब आप क्या बोलोगे कि सर L थी 2L हो गई तो L स्क्वायर मतलब L टू स्क्वायर तो 4R हो जाएगा, मतलब 4 गुना हो जाएगा, ऐसा नहीं होता, क्यों नहीं होता, देखो यहाँ लेंथ L थी तो कुछ क्रॉस सेक्शन एरिया ये होगा, यहाँ पे लेंथ स्ट्रेच किया तो लेंथ बढ़ी, तो क्रॉस सेक्शन एरिया अब ये नहीं होगा, वो कुछ अलग होगा, और सपोज वो A डैश होगा, ओके। लेकिन आप एक चीज में एग्री करोगे कि ये फर्स्ट कंडीशन में ये सेकेंड कंडीशन में ये कंडक्टर का बॉडी वो ही होगा, ओके, आप कंडक्टर को खींच लो कंप्रेस कर दो लेकिन वॉल्यूम तो कांस्टेंट रहेगा, ओके, वॉल्यूम तो कांस्टेंट रहेगा। तो फर्स्ट कंडीशन में R इज इक्वल्स टू रो एल स्क्वायर बाय वी, ऐसी फॉर्मूला आ जाएगी। सेकेंड कंडीशन में R डैश इज इक्वल्स टू रो L के बदले हम लिखेंगे 2L, ओके, स्क्वायर बाय वी, ओके, 2 स्क्वायर 4, 4 रो एल स्क्वायर बाय वी, रो एल स्क्वायर बाय वी तो आर होता है, तो आर एस क्या हो जाएगा 4R, तो आप फाइंड करोगे ये फॉर्मूला से, इससे नहीं, अगर इसे देखोगे ना तो रेजिस्टेंस डबल ही होगा 2L, तो आप क्या मानोगे रेजिस्टेंस डबल, ऐसा नहीं होता, ओके। तो इससे यूनिवर्सल क्या आएगा, यूनिवर्सल जो एमसीक्यू होता है ये भी एमसीक्यू नीट में पूछा गया है यूनिवर्सल, कि कोई एक कंडक्टर है, कोई एक कंडक्टर है उसकी लेंथ पहले L थी अब बाद में N गुना कर दी, N L, कोई एक कंडक्टर की लेंथ L है बाद में N L मींस N गुना कर दी, तो उसका रेजिस्टेंस क्या आएगा, तो बाद का जो उसका रेजिस्टेंस है, देखो यहाँ पे दो गुना कर दे तो 2 स्क्वायर आया, तो N गुना कर दे तो क्या आएगा N स्क्वायर R, ओके, ये है एक फॉर्मूला जो आप आराम से याद रख सकते हो, अगर ये याद रखते तो सब आ जाएगा, आर डैस एन स्क्वायर आर तो मतलब दो गुना कर दी, तो 2 स्क्वायर आर 3 गुना कर दी, 3 स्क्वायर आर 4 गुना कर दी, 4 स्क्वायर आर, ऐसे डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। अगर आपको एमसीक्यू ऐसे नहीं पूछा तो दूसरे किस तरीके से पूछा जा सकता है वो भी देखो,
परसेंटेज के वाइज पूछा जा सकता है। ओके, परसेंटेज से वाइज कैसे पूछा जाएगा कि कोई एक कंडक्टर है उसकी लेंथ पहले एल है, सेकेंड कंडीशन में उसकी जो लेंथ है ना वो 50% इंक्रीज कर दी, उसकी लेंथ है वो 50% इंक्रीज कर दी। ओके, ऐसा नहीं है कि इतने गुना कर दी इतने गुना, चलो 30% नहीं, 30% इंक्रीज कर दी, तो नया रेजिस्टेंस क्या होगा, इसका रेजिस्टेंस क्या होगा, नया रेजिस्टेंस क्या होगा वो फाइंड करना। तो फर्स्ट वाला जो फर्स्ट कंडीशन में जो रेजिस्टेंस है वो फाइंड कर लो, वो आएगा रो एल बाई सेकेंड कंडीशन वाला फाइंड करते हैं, सॉरी रो एल स्क्वायर बाई वी सेकेंड कंडीशन वाला फाइंड करते हैं आर डैश, तो वो आएगा रो एल डैश स्क्वायर बाई वी, एल डैश फाइनल लेंथ रो। फाइनल लेंथ क्या होगी, 30% इंक्रीज कर दिया है, पहले से जो लेंथ थी उससे 30% इंक्रीज कर दिया है, तो एल डैश क्या होगा 1.3 इंक्रीज कर दिया, दैट मींस 130% कर दिया, ओके 130% कर दिया, तो आ जाएगा 1.3L। तो आर डैश इक्वल्स टू रो एल डैश की ये फॉर्मूला रख दो 1.3L स्क्वायर डिवाइड बाय वी, दैट मींस आर डैश इक्वल्स टू 1.3 स्क्वायर रो एल स्क्वायर बाय वी, 1.3 का जो भी स्क्वायर आता है वो रख दो आर, ये आंसर। ओके, तो परसेंटेज में अगर पूछा जाए तो ऐसे इससे आंसर फाइंड कर सकते हो। तो जो ऐसे एमसीक्यू है, फिर ड्रिफ्ट वेलोसिटी वाला जो भी एमसीक्यू है वो आप कर सकते हो, तो आप ध्यान से करना। ड्रिफ्ट वेलोसिटी वाला जो एमसीक्यू होता है उसमें कुछ नहीं होता है। ओके, सपोज हम एक करते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी वाला एमसीक्यू। सपोज हमें ऐसा दिया हुआ है कि एक कंडक्टर है उसमें से एक कंडक्टर है उसमें से करंट एक एम्पियर फ्लो हो रहा है। ओके, उसका जो क्रॉस सेक्शन है, क्रॉस सेक्शन वाला डायमीटर वो 1 mm है, क्रॉस सेक्शन वाला डायमीटर जो है वो 1 mm है। तो जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी होगी वो क्या होगी, जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी होगी वो क्या होगी वो पूछा है, और उसकी जो नंबर डेंसिटी है वो दी गई है 8.5 × 10⁸। ओके, पर मीटर क्यूब, तो ऐसे दिया हुआ है। अब आप ड्रिफ्ट वेलोसिटी फाइंड कर लिया ना, क्या करोगे, फॉर्मूला रख दोगे आई इज इक्वल्स टू एन ई ए वी डी, वी डी को सब्जेक्ट बना लो, वी डी इज इक्वल्स टू क्या आएगा आई अपॉन एन ई ए। ओके, आई की वैल्यू 1, एन की वैल्यू रखो, ई की वैल्यू रखो, हाँ ए में क्या रखोगे, एरिया क्या होगा, डायमीटर दिया होगा, डायमीटर दिया हुआ है तो एरिया होगा पाई बाय 4 डी स्क्वायर, और रेडियस फाइंड कर दो, और एरिया की फॉर्मूला ऐसे भी लिख सकते हो पाई आर स्क्वायर, जो जो भी एरिया है यहाँ पे रख दो, और नहीं तो यहाँ पे डायरेक्ट फॉर्मूला ही रख दो पाई आर स्क्वायर, सब जो भी वैल्यूज है वो डाल दो, आपका आंसर आ जाएगा ड्रिफ्ट वेलोसिटी का। ड्रिफ्ट वेलोसिटी बहुत छोटी होती है, ओके, वो मीटर पर सेकेंड में बहुत कम आती है, तो हम ड्रिफ्ट वेलोसिटी को एमएम पर सेकेंड में भी लिखते हैं, कई बार माइक्रोमीटर पर सेकेंड में भी लिखते हैं। ओके, सो ये आज का लेक्चर, आप इससे एमसीक्यू करना। ओके, थैंक यू।